असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2017 स्वर्ण पदक दिया जा रहा है मास्टर आकाश मनोज तमिलनाडु को। आपने एक ऐसे उपकरण का आविष्कार किया जिससे कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इससे साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में दौरा पड़ने के 6 घंटे पहले ही पता लगाया जा सकता है। आपको नवाचार के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है मास्टर आकाश मनोज। मास्टर साहिल डे असम। पांच साल की उम्र में ही अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग हासिल कर आप भारत में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। आपने शतरंज में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मेडल्स जीते। खेल के क्षेत्र में आपको असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2017 का रजत पुरस्कार प्राप्त हो रहा है मास्टर साहिल डे। मास्टर श्रेष्ठ अग्रवाल छत्तीसगढ़। आपने मानव उद्धारक पैमाना विकसित किया जो किसी भी महामारी का स्तर मापने का एक सूत्र है। साथ ही पर्सनल होम पेज और SQI आधारित चुनाव सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जिसका उपयोग स्कूल के चुनावों में सफलतापूर्वक हुआ। आपको नवाचार के क्षेत्र में रजत पदक प्रदान किया जा रहा है मास्टर श्रेष्ठ अग्रवाल। मास्टर निशांत अभंगी गुजरात रजत पुरस्कार। आपने 13वीं अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता। खगोल विज्ञान में असाधारण उपलब्धियों को प्राप्त कर ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रसायन विज्ञान प्रश्नोत्तरी में भी उत्कृष्टता हासिल की। आपको शिक्षा के क्षेत्र में रजत पदक दिया जा रहा है मास्टर निशांत अभंगी। मास्टर जयशील बुद्धदेव हरियाणा। आप एक पर्यावरणविद हैं, हारमोनियम और ओरेशन में कुशल हैं। ऊर्जा और पर्यावरण को बचाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए आप अपनी कुशलता का उपयोग कर चुके हैं। आपको भारतीय शास्त्रीय संगीत तथा समाज सेवा के लिए रजत पदक दिया जा रहा है मास्टर जयशील बुद्धदेव। कुमारी ज़ायरा वसीम जम्मू और कश्मीर। आप एक प्रतिष्ठित कलाकार हैं, बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट 2017 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा टीवी एंटरटेनमेंट पुरस्कार के विजेता भी हैं। कला के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश का जोर शोर से प्रचार भी कर रही हैं। आपको प्रदर्शन कला में असाधारण उपलब्धि के लिए रजत पदक प्राप्त हो रहा है कुमारी ज़ायरा वसीम।
कुमारी निखिया शमशेर, कर्नाटक। आपने वंचित बच्चों को बैग, किताबें, 15 स्कूलों और कॉलेजों को विज्ञान एवं गणित प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराए। अपनी पहल से धन जुटाने के लिए खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट भी लॉन्च की। समाज सेवा के लिए आपको रजत पदक दिया जा रहा है, कुमारी निखिया शमशेर। मास्टर स्वस्तिक पद्मा, कर्नाटका। आपने कम घनत्व वाले पॉलिथीन कचरे, प्लास्टिक और ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से एक जंग प्रतिरोधी समग्र सामग्री विकसित की। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में भी पुरस्कार प्राप्त किए। आपको नवाचार में रजत पदक दिया जा रहा है, मास्टर स्वास्तिक पद्मा। मास्टर फ्लॉयड इमैनुअल लिबेरा, केरला। आप एक असाधारण प्रतिभाशाली ड्रमर हैं। 8 साल की उम्र से ही लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज से ग्रेट किड्स के विभिन्न स्तरों को प्राप्त कर रहे हैं। विभिन्न संगीत समारोहों में अपनी उत्कृष्टता भी दर्ज कर रहे हैं। आपको संगीत के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि के लिए रजत पदक से नवाजा जा रहा है, मास्टर फ्लॉयड इमैनुअल लिबेरा। मास्टर ऋषभ गर्ग, मध्य प्रदेश। आपने A4 शीट पर 1 लाख वर्षीय कैलेंडर डिजाइन किया। जासूसी कार और जेनेरिक सूचना प्रणाली का आविष्कार प्रशंसनीय है। आपने नासा से अपने इंजीनियरिंग और डिजाइन प्रक्रियाएं प्रयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ छात्र की मान्यता भी प्राप्त की है। आपको नवाचार के लिए रजत पदक प्राप्त हो रहा है, मास्टर ऋषभ गर्ग। मास्टर जैसल शाह, महाराष्ट्र। आप अंडर 7 कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। छोटी सी उम्र में आप बच्चों को समझाते हैं और उन्हें शतरंज सीखने के लिए प्रेरित भी करते हैं। खेल में असाधारण उपलब्धि के लिए आपको रजत पदक प्रदान किया जा रहा है, मास्टर जैसल शाह। कुमारी लब्धि सुराना, राजस्थान। आप एक उत्कृष्ट रोलर स्पीड स्केटर हैं। आप जर्मनी, बेल्जियम, हांगकांग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रोलर स्पीड स्केटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे छोटी और एकमात्र लड़की हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। खेल के क्षेत्र में आपको रजत पदक दिया जा रहा है, कुमारी लब्धि सुराना। मास्टर कृष्णा पंडित, उत्तर प्रदेश।
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती हैं, विभिन्न एंड्रॉयड एप्लीकेशंस विकसित की हैं जिनका उपयोग कई देशों द्वारा किया जा रहा है। आपने एक स्टार्टअप नेटोरियन भी लॉन्च किया है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में आपकी प्रतिभा को सम्मानित किया जा रहा है रजत पदक से। मास्टर कृष्णा पंडित, कुमारी सानिया सुभाष, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपने विभिन्न प्रकार के मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण लिया है तथा आप ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन से सम्मानित भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई चैंपियनशिप्स भी आपने जीती। आपको खेल के क्षेत्र में ये रजत पदक दिया जा रहा है। कुमारी सानिया सुभाष, कुमारी कशिश दिल्ली, तमाम पारिवेशिक विषमताओं को लांघकर आप अपनी कला के माध्यम से प्रतिकूल परिस्थितियों में साहस और हौसले का संदेश प्रचारित कर रही हैं। असाधारण रंगमंच कलाकार कुमारी कशिश को रजत पदक प्रदान किया जा रहा है। कुमारी कशिश, राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार व्यक्तिगत 2016, श्री आनंद कुमार, पटना, बिहार। आपने पटना में सुपर 30 कार्यक्रम के जरिए आईआईटी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सिखाने के लिए गणित के अपने कौशलों और ज्ञान का उपयोग किया है। अभी तक आपके 459 में से 396 छात्रों ने आईआईटी में प्रवेश पाया है। इस अद्वितीय सेवा के लिए आपको राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। श्री आनंद कुमार, श्री महेश जाधव, बेलगावी, कर्नाटका। आपने महेश जाधव फाउंडेशन की स्थापना की जो एक बालक संरक्षण गृह का संचालन करता है जिसमें लगभग 40 एचआईवी पॉजिटिव अनाथों को आश्रय, भोजन, दवाइयां एवं शिक्षा प्रदान की जाती हैं। आपके प्रयासों से 3,200 एचआईवी पॉजिटिव लोग सकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। आपकी सराहनीय सेवा के लिए आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। श्री महेश जाधव, श्री अच्युता सामंता, भुवनेश्वर, उड़ीसा। आपने कलिंग औद्योगिक संस्थान नामक विश्व स्तरीय नवोन्नत विश्वविद्यालय तथा भुवनेश्वर में देशज आदिवासी बस्तियों के लिए कलिंग समाज विज्ञान संस्थान की स्थापना की। KISS विश्व का सबसे बड़ा निःशुल्क आवासीय जनजातीय संस्थान है। बाल कल्याण की इन सेवाओं के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री अच्युता सामंता,
बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संस्था 2016 सोसाइटी फॉर ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट चामराजनगर कर्नाटका। इस संस्था ने बच्चों को बाल श्रम से छुड़ाकर और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में लाकर उनका पुनर्वास करके उनके जीवन में बदलाव लाया है। बाल श्रम और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया है। बच्चों के प्रति सेवाओं के लिए ये पुरस्कार इस संस्था को दिया जा रहा है, सोसाइटी फॉर ट्राइबल एंड रूरल डेवलपमेंट कर्नाटका। अक्षय पात्र फाउंडेशन बेंगलुरु कर्नाटका। यह संस्था भुखमरी से लड़ने के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए विश्व का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित आहार कार्यक्रम चला रही है। अक्षय पात्र फाउंडेशन को राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार 2016 प्रदान किया जा रहा है। अक्षय पात्र फाउंडेशन कर्नाटका। इनोवेटिव मध्य ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन मुंबई। इस संस्था के द्वारा मध्य मस्तिष्क के पूर्ण संचालन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य से अनेक बच्चों को सीखने की क्षमता में सुधार लाने में सहायता मिलती है। इससे बच्चों के देखने और सुनने की क्षमता में वृद्धि होती है। इस संस्था को राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार 2016 से पुरस्कृत किया जा रहा है। इनोवेटिव मध्य ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन मुंबई। द आरंभ इंडिया इनिशिएटिव मुंबई महाराष्ट्र। यह संस्था बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण प्रदान करने, पीड़ितों को पुनर्वास प्रदान करने और राज्य की सहायता से अपराधियों को सजा दिलाने से संबद्ध है। इसी के मद्देनजर भारत का प्रथम ऑनलाइन संसाधन पोर्टल भी शुरू किया गया। इस संस्था को बच्चों के प्रति सेवाओं के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। द आरंभ इंडिया इनिशिएटिव मुंबई। निर्वाण सामाजिक कल्याण संगठन लखनऊ उत्तर प्रदेश। इस संगठन ने दिव्यांग बच्चों की पहचान के लिए दिव्यांग मिलाप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह संस्था दिव्यांग बच्चों का उपचार, देखरेख तथा पुनर्वास सुविधा प्रदान करती है। बच्चों के प्रति समर्पित सेवा के लिए ये पुरस्कार इस संस्था को दिया जा रहा है। निर्वाण सामाजिक कल्याण संगठन लखनऊ उत्तर प्रदेश। राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार 2017 श्री शांतिलाल गुलाबचंद मुठा पुणे महाराष्ट्र। आपने देश के आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लगभग 4000 निराश बच्चों की शिक्षा, अस्थायी आवास, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था करते हुए उनके शैक्षिक पुनर्वास में सहायता प्रदान की है। स्मार्ट बालिका कार्यक्रम के तहत 73,625 बालिकाओं को सशक्त बनाया है। श्री शांतिलाल गुलाबचंद मुठा।
Sri Cherian Ramu, Tiruvannamalai, Tamil Nadu. आपने पिछले 25 सालों के दौरान गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले बच्चों के लिए 16 आश्रय गृह स्थापित किए हैं। अनेक परित्यक्त, अनाथ और एचआईवी से संक्रमित या अन्य बीमारियों से ग्रसित तथा भिक्षावृत्ति में धकेले गए पीड़ित बच्चों को बचाया और पुनर्वासित किया। श्री चारियन रानू, सुश्री शोभा विद्यार्थी, पिथौरागढ़, उत्तराखंड। आपने बोधगया से 40 किलोमीटर दूर बासा गांव में जनजातीय बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना की। आपने चंबल के डाकू प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक उन्नति के लिए बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य किया। वंचित बच्चों की पढ़ाई और देखरेख कार्य में भी आप सालों से समर्पित हैं। सुश्री शोभा विद्यार्थी, माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार समारोह 2017 का समापन किया जाए।